हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज का टॉपिक का नाम है मिक्सिंग ऑफ पाउडर, जो कि हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाकर जरूर देख लेना। उसके साथ साथ मैं अगले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएंगी, जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सभी फ्री लेक्चर्स की लिंक्स और सभी जो भी फ्री स्टडी मटेरियल में होता है वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। तो जरूर ज्वाइन कीजिए और अपने सभी दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए बोल देना। सो लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि पाउडर्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके साथ साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर देखा। तो अभी जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिक्सिंग ऑफ पाउडर। तो इस पार्ट में हम मिक्सिंग ऑफ पाउडर जो भी टॉपिक है पूरा कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो मिक्सिंग ऑफ पाउडर, तो पाउडर में भी मिक्स्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। देखो पाउडर की जो भी मिक्सिंग जो भी होती है, मतलब वो किसकी कौन कौन से मेथड से होती है, उसके कौन कौन से मेथड है, उसको हम वहाँ पर पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी एंड लिस्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से मेथड है। तो मिक्सिंग ऑफ पाउडर के मेथड है बहुत सिंपल। सबसे पहले स्पैचुलेशन है, सेकंड है सैचुरेशन, थर्ड है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, फोर्थ है सिफ्टिंग और लास्ट है टम्बलिंग। बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ आपको पूरी कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ पर ध्यान लगाकर लेक्चर को देखना है। सो और एक यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम पेज के लिंक मिल जाएंगे, जाकर जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट, वहाँ पर बहुत सारे ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन और जो भी हमारे फील्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पर मैं डालते रहता हूँ। तो ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सो अब सबसे पहले मेथड देखते हैं पाउडर ऑफ मिक्सिंग की, और जो भी है स्पैचुलेशन सबसे सिंपल मेथड है। इन दिस मेथड मिक्सिंग ऑफ पाउडर इज डन बाय द मूवमेंट ऑफ स्पैचुला थ्रू आउट द पाउडर ऑन द शीट ऑफ पेपर और ऑन द पोरसेलेन टाई। द मेथड इज यूजफुल इन मिक्सिंग। मतलब स्पैचुलेशन मतलब आप सबको स्पैचुला पता है, आप फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उस मतलब सिंपल आप सबको पता है कि अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसमें अगर आपको पाउडर को मिक्स करना होता है तो आप स्पैचुला से क्या करते हो, उस पाउडर को क्या करते हो, उस स्पैचुला उस पाउडर में घुमा कर क्या करते हो, उसको पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हो। तो इसी मेथड को क्या कहते हैं, स्पैचुलेशन। कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की और बहुत टेक्निकली उसको सोचने की ज़रूरत नहीं, वही मतलब सिंपल स्पैचुला आपको मिक्स करते हो, मतलब स्पैचुला की हेल्प से। मतलब घर में जैसे कि अगर बात करें कि कोई चम्मच है, चम्मच से हम अलग अलग मतलब कोई घर में खाना खाते मिक्स करते रहते हैं ना कुछ हमारे खाने में, तो उस चम्मच होता है, फिर हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में स्पैचुला यूज करते हैं, इसलिए उसको स्पैचुलेशन कहते हैं। तो मतलब उस स्पैचुला से क्या करना है, सिर्फ आपके जो भी पाउडर है उसमें स्पैचुला थ्रू आउट उसको क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, वो सिंपल पेपर पर लिया होगा या पोरसेलेन टाइल पर लिया होगा, हमारा जो भी प्रोडक्ट हो गया, जो भी दो पाउडर्स हो गए, उसको सिंपली क्या करेंगे, उस स्पैचुला उसमें घुमा कर क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो इसका यूज़ क्या होता, कहाँ पर होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर, मतलब अमाउंट अगर पाउडर की कम होगी, छोटी होगी, तभी हम स्पैचुला से कर पाओगे। अगर बड़े बड़े मतलब 100 kg 200 kg ऐसे अमाउंट में, अगर 50 kg पकड़ लो ऐसे अमाउंट में अगर होगी पाउडर, तो हम कभी भी मिक्स नहीं कर पाएंगे। आप सबको पता है मतलब छोटे से अमाउंट है, ग्राम में है, ये तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उसको स्पैचुला से हम मिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूज़ क्या होता है उसका, स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर में। तो सेकंड कौन सा है, सॉलिड सब्सटेंस दैट लिक्विफाई फ्रॉम इटोटिक मिक्सचर और फ्रॉम इटोटिक मिक्सचर। मतलब क्या है कि जो जो भी पाउडर्स होती है और जो सब्सटेंस होती है वो लिक्विफाई हो जाते हैं, मतलब उसका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते थे सॉलिड से। क्या इटोटिक मिक्सचर मतलब क्या है कि जब भी कोई भी दो प्रोडक्ट का मिक्सचर करते हैं तो वो क्या क्या होता है कि उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है उसके भी कम टेम्परेचर में क्या होता है, उससे भी लो टेम्परेचर में क्या होता है, उसका लिक्विफाई हो जाता है। तो इसको कहते हैं इटोटिक मिक्सचर। मतलब अगर लिक्विफाई होते हैं जो सब्सटेंस उनमें भी और इटोटिक मिक्सचर होगी उसमें यूज किया जाता है इस स्पैचुलेशन मेथड को। व्हेन क्लोज एंड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद वन अनदर सिंस वेरी लिटिल कंप्रेशन और कॉम्पैक्ट रिजल्ट द मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाउडर और फॉर पाउडर कंटेनिंग वन और मोर पोटेंट सब्सटेंस बिकॉज होमोजेनियस ब्लेंडिंग मे नॉट ऑगर। मतलब देखो जो सब्सटेंस लिक्विफाई होते हैं या इथेटिक मिक्सचर होते हैं और जो मतलब उसका उसमें यूज़ करते हैं स्पैचुलेशन मेथड को, उसके साथ साथ जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर है उसमें यूज़ करते हैं, तो यूज़ कहाँ पर नहीं करते, जिसमें एक या एक से ज़्यादा पोटेंट ड्रग्स है। पोटेंट ड्रग्स मतलब क्या, आप सबको पता ही होगा पोटेंट ड्रग मतलब क्या, बहुत कम अमाउंट में आपको ज़्यादा एक्शन दिखता है, मतलब अगर उसका जो भी डोज होगा वो बहुत कम होता है, मतलब बहुत मतलब 10-15 mg 50 mg 60 mg से भी बहुत कम, मतलब मेजरमेंट के लिए भी हमें बहुत वहाँ पर प्रॉब्लम होती है।
तरह के जो भी पोटेंट ड्रग होते हैं, मतलब वो पोटेंट ड्रग क्या होते हैं कि बहुत कम अमाउंट में, मतलब बहुत ही थोड़ा अमाउंट में आपको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन आपके ऊपर दिखाते हैं, जिसकी कोई भी उसकी एक्शन होगी वो। तो उस तरह के अगर पोटेंट ड्रग को मिक्स करना है एक या एक से ज़्यादा, तो उसमें जो भी स्पेचुलेशन मेथड को क्यों नहीं यूज़ करते, उसमें यूज़ नहीं करते। तो क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि क्या होता है कि उसकी जो भी होमोजेनियस ब्लेंडिंग, मतलब होमोजेनियसली मिक्सिंग होना वहाँ पर इम्पॉसिबल है। मतलब पोटेंट ड्रग है वहाँ पर एक्यूरेट ही हमें डोज चाहिए होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा ड्रग तो कम अमाउंट में ही ज़्यादा एक्शन दिखाता है। अगर ज़्यादा ड्रग हो जाता है गलती से, अगर क्या क्या हो सकता है, अगर पाउडर में हम मिक्स कर रहे हैं तो पाउडर कम हो सकती है या ड्रग अगर एक जगह पर ज़्यादा जा सकता है जो भी पोटेंट ड्रग है, उससे क्या हो सकता है टॉक्सिसिटी या कोई भी उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए उसमें स्पैचुलेशन, मतलब सिंपली स्पैचुलेट से हम वहाँ पर उसकी मिक्सिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मतलब पूरी यूनिफॉर्मली वो मिक्सिंग नहीं हो सकती, क्योंकि नहीं होती यहाँ पर स्पैचुलेशन की। आप सबको पता है आप हाथ से कर रहे हो, स्पैचुलेट से कर रहे हो, तो यहाँ पर कोई भी परफेक्शन नहीं ना, परफेक्टली हर जगह पर सेम अमाउंट ऑफ मिक्सिंग होने वाली है। तो इसलिए ये पोटेंट ड्रग में कभी भी यूज नहीं करते स्पैचुलेशन। तो सेकंड मेथड है स्ट्रैचुरेशन। इट इज़ यूज्ड बोथ टू रिड्यूस पार्टिकल साइज एंड मिक्स पाउडर। ए पार्टिकल साइज रिडक्शन इज डिजायर अलॉन्ग विथ मिक्सिंग ऑफ पाउडर। द पोरोसिलिन मोटर विथ अ रफ इनर सर्फेस इज प्रेफर टू ग्लास मोटर विथ अ स्मूथ वर्किंग सर्फेस। तो स्ट्रैचुरेशन में क्या होता है कि स्ट्रैचुरेशन में जो भी पार्टिकल की साइज वो भी रिड्यूस होती है और पाउडर की मिक्सिंग भी होती है। तो स्ट्रैचुरेशन में आप सबको पता है कि जो भी आपको मोटर पिस्टल मिलती है प्रैक्टिकल लैब में, आपने देखे होंगे या इस साल देखने वाले होंगे तो आपने देखा ही होगा। तो जो भी मोटर पिस्टल होते हैं व्हाइट कलर के, आप सबको पता है कि उस मोटर पिस्टल में सिंपली पाउडर का जो भी दो पाउडर है उसको डाला जाता है और सिंपली उसको क्या करते हैं, उस पिस्टल से उसको वहाँ पर घुमाते हैं, अंदर घुमा कर क्या करते हैं, उसका मिक्सचर मतलब क्या साइज भी उसकी रिड्यूस हो जाती है और मिक्सिंग भी अच्छी तरह से हो जाता है स्ट्रैचुरेशन से। तो यहाँ पर मैं आपको वहाँ पर ऊपर इमेज दिखा दूंगा कि मोटर पिस्टल किस तरह से होता है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो आप सबको पता है एशियन टाइम में जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन वाले दिखाते हैं ऋषि मा, उनके हाथ में रहता था वो मोटर पिस्टल। तो वो स्ट्रैचुरेशन मेथड है, मतलब वो सिंपली स्ट्रैचुरेशन मेथड को उसको याद रखो। मतलब जो भी पुराने ऋषि मुनि होती है जो कि हमें देते थे मेडिसिन उस ट्रेडिशनल मेथड से, उसको याद करना स्ट्रैचुरेशन मेथड में। उसमें क्या होता है, पार्टिकल की साइज भी रिड्यूस होती है और पार्टिकल बहुत अच्छे तरह से वहाँ पर मिक्स भी हो जाता है। ग्लास मोटर में बी प्रेफर्ड फॉर केमिकल दैट मे स्टेन और पोलिसिलिन सरफेस फॉर सिंपल मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस विदाउट स्पेशल नीड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ग्लास मोटर यूज किया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर केमिकल्स होगे वहाँ पर, और सिंपली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता ग्लास मोटर होगा तो केमिकल के लिए। तो ग्लास मोटर क्लीन मोर रेडियली आफ्टर यूज, और ग्लास मोटर जो भी होता है बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है आप वो यूज़ करने के बाद। सो स्पैचुलेशन मेथड समझ में आ गई। स्पैचुलेशन मतलब क्या, सिंपल स्पैचुलेशन आप वहाँ पर मिक्स करने वाले। स्पैचुलेशन मेथड मतलब क्या, आप उसको ट्रैचुरेट करते करते उस मोटर पेस्टल की हेल्प से क्या करोगे, उसको मिक्स कर दोगे। सो दो मेथड समझ में आई, तो थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करना अगर आप देर तक, मतलब पूरा लेक्चर देख रहे हो, तो कमेंट कर बताना कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है और आपको उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके, मतलब आपका अगर आपका अभिप्राय आता है, आपकी जो भी रिस्पॉन्स आता है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है फ्री में लेक्चर बनाने के लिए। तो जरूर कमेंट कीजिए। तो थर्ड मेथड है जियोमेट्रिक डायल्यूशन। द मेथड इज यूज्ड व्हेन पोटेंट सब्सटेंस आर टू मिक्स्ड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट। तो जियोमेट्रिक डायल्यूशन जो भी मेथड है वो यूज़ करी जाती है पोटेंट सब्सटेंस के लिए, पोटेंट सब्सटेंस को डाइल्यूएंट में उसको मिक्स करने के लिए। तो आप सबको पता है स्पैचुलेशन डाइल्यूएंट पोटेंट के लिए यूज़ नहीं की जाती, तो आप सबको यहाँ पर ज्योमेट्रिक डायल्यूशन जो भी मेथड है पोटेंट ड्रग के लिए सबसे बेस्ट है मिक्सिंग करने के लिए पाउडर की। तो ये मेथड क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। द पोटेंट ड्रग इज प्लेस्ड अपॉन एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यूम ऑफ डायल्यूएंट इन द मोटर एंड द सब्सटेंस आर साइटली मिक्सड बाय ट्रैचुरेशन। मतलब देखो, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डायल्यूशन मतलब क्या है और सबसे मतलब क्या है पोटेंट ड्रग, और आप सबको बता दिया, उसके बाद जो भी आपका डायल्यूएंट होगा वो क्या होता है। मतलब उसके साथ देखो यहाँ पर क्या बताया था, पोटेंट सब्सटेंस मिक्सड इन लार्ज अमाउंट ऑफ डायल्यूएंट। डायल्यूएंट क्या है और डायल्यूशन प्रोसेस क्या है। तो पोटेंट ड्रग जैसे बताया कि मैंने बहुत ही कम अमाउंट में वो इफेक्ट दिखाता है, तो उसका जो भी डोसेज फॉर्म बनाना है, मतलब देखो 10 ग्राम 5 ग्राम में अगर आपको एक्शन दिखा रहा है तो उसकी टैबलेट कैसे बनाए, उसकी पाउडर कैसे बनाए, उसको डिस्पेंस कैसे करें, उसको दे कैसे, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो उसको क्या कहा जाता है, दूसरी और जो भी डायल्यूएंट होता है कोई भी जिसमें सुटेबल डायल्यूएंट होता है उसको मिक्स किया जाता है। मतलब देखो कि अगर कोई
जेड पोटेंट टारगेट बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे कोई और एक एक्स वाई बी बी ए बी ए डी पकड़ो डी डायलोरेंट है उसको क्या करेंगे डी डायलोरेंट को उसमें मिक्स कर देंगे, जिससे कि उसकी साइज बढ़ जाएंगी अमाउंट बढ़ जाएंगी, इसलिए वो डिस्पेंस करने के लिए भी इजी आएगा, उसके साथ वो सिंपली उसको हम दे पाएंगे और वो जो भी कंज्यूमर है उसको अच्छी तरह से ले पाएगा, मतलब बहुत कम अमाउंट है तो प्रॉब्लमेटिक होता है ना, तो ये होता है डायलोरेंट। तो डायलोरेंट किस तरह से ऐड करना है देखते हैं। द पोटेंट ड्रग इज प्लेस्ड अपॉन अप्रोक्सिमेटली इक्वल वैल्यूम ऑफ डायलोरेंट इन मोटर एंड द सब्सटेंस आर स्लाइटली मिक्सड बाय स्ट्रैचुरेशन। मतलब देखो क्या है कि सिंपल जितने अमाउंट ऑफ ड्रग है उतना ड्रग लो, उसके उतने अमाउंट का डायलोरेंट लो और एक साथ उसको ट्रैचुरेट करो। द सेकंड पोर्शन ऑफ डायलोरेंट इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ टू द पाउडर मिक्सिंग इन द मोटर इज एडेड एंड ट्रैचुरेट इज रिपीटेडली। फिर से क्या करना है, आपने क्या किया डायलोरेंट और जो भी आपका जो पोटेंट ड्रग उसको आपने मिक्सचर किया था वो जितना होता है उसने अमाउंट को फिर से क्या क्या करना है आपको डायलोरेंट लेना है, फिर से डायलोरेंट उसमें डालना है, फिर से ट्रैचुरेट करना है, प्रोसेस को रिपीट करनी है। द प्रोसेस इज कंटिन्यू एडिंग डायलोरेंट्स इक्वल इन अमाउंट टू मिक्सचर इन द मोटर एट ईच स्टेप अंटिल ऑल डायलोरेंट इज इनकॉर्पोरेटेड। मतलब इस प्रोसेस को क्या करना है आपको रिपीटेडली करते जाना है, मतलब डायलोरेंट डालो मिक्स करो फिर जितना अमाउंट होगा उतना अमाउंट करो फिर से डायलोरेंट लो, तो कब तक करना है जितना आपको डायलोरेंट डालना है तब तक। तो आपको अगर समझ में नहीं आया हो, मतलब बहुत लोगों को आया होगा, किसी को अगर नहीं आया होगा तो हम आगे यहाँ पर आगे हम एग्जाम्पल लेंगे, आपको एग्जाम्पल से बहुत परफेक्टली समझ में आएगा तो डायलोरेंट किस तरह से हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, If 100 mg of potent drug is required to mix with 900 mg of lactose, then according to the geometric dilution, the following process should be followed. मतलब देखो अगर 100 mg आपका potent drug है उसको अगर आपको 900 mg lactose में मतलब जो भी lactose का डायलोरेंट है उसको मिक्स करना है तो कौन सी मेथड और किस तरह से करते हैं उसको बारे में देखते हैं। तो देखो क्या 100 mg बहुत पोटेंट है तो उसको क्या करेंगे हम 900 mg lactose में डालेंगे तो पूरा 1000 mg वो बन जाएंगे और उस 1000 mg के हम अलग अलग डोसेज बनाकर हम डिस्पेंस कर सकते हैं। तो देखो उसके में उसको किस तरह से कर जाए, तो 100 mg आपका पोटेंट ड्रग लिया उसमें क्या करेंगे उतने ही अमाउंट का 100 mg का लैक्टोज लेंगे, लैक्टोज हमें ऐड करना है कितना 900 mg पर हम कितना ऐड करेंगे 100 mg, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा ट्रैचुरेट करके 200 mg का, तो 200 mg मिक्सचर फिर से लेंगे उसमें फिर से क्या करेंगे 200 mg लैक्टोज डालेंगे, जितना मिक्सचर होगा उतना ही डायलोरेंट, फिर से क्या करेंगे 200 mg लैक्टोज डाला कितना बना 400 mg का मिक्सचर बना, तो 400 mg का मिक्सचर करेंगे तो 400 mg का फिर से लैक्टोज डालेंगे और जो कि डायलोरेंट है पूरा मिक्सचर कितना बना 800 mg का, तो 800 mg का मिक्सचर लेंगे फिर से जितना मतलब देखो आगे कितना डालना है जितना आपको पूरा डालना है ना उतनी अमाउंट आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितनी हुई 400 डाली 200 डाली 400 500 600 700 यहाँ पर जो भी 700 800 900 मतलब और कितनी डालनी है यहाँ पर 200 डालनी मतलब पकड़ लो मतलब पूरा यहाँ पर 800 mg का मिक्सचर हुआ, इसमें 800 mg का मिक्सचर लिया उसमें जो भी बचा कुछ है मतलब 900 mg से जितना बचा या अभी ऊपर वाले जो भी तीन स्टेप है उसमें से जितना अभी बाकी रहा है उतना सभी हम उसमें डाल देंगे और वो कंप्लीट कर देंगे 100 mg मिक्सचर ऑफ लैक्टोज मतलब जो भी पोटेंट ड्रग है और उसको हम अच्छी तरह से उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको ऐड करते जाएंगे जिससे कि अच्छी तरह से होमोजेनियस बहुत अच्छी तरह से उसका मिक्सचर हो जाए और डाइल्यूशन बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन उसके लिए मिक्सिंग ऑफ पाउडर के लिए। ये थर्ड मेथड थी, तो अभी जो भी फोर्थ है बहुत सिंपल है, फोर्थ और फिफ्थ सिफ्टिंग। मतलब क्या है कि पाउडर आर मिक्सड बाय पासिंग थ्रू द सिफ्टर, द प्रोसेस रिजल्ट इन अ लाइट फ्लफी प्रोडक्ट एंड जनरली नॉट एक्सेप्टेबल फॉर इनकॉर्पोरेटेड और पोटेंट ड्रग इनटू द डायलोरेंट बेस। सिफ्टिंग क्या है कि सिंपल जो भी सिफ्टर होता है उस मशीन में क्या करते हैं उसको डालकर क्या करते हैं अच्छा से उसको मिक्स कर लेते हैं और जो भी रिजल्ट होता है बहुत ही बफी व्लफी अगर बोल सकते हैं उस तरह की पाउडर हो जाती है। पर इस तरह के पाउडर को हम यहाँ पर पोटेंट ड्रग में नहीं यूज कर सकते डायलोरेंट बेस के लिए, डायलोरेंट बेस के मतलब पोटेंट ड्रग में उसका यूज़ नहीं कर सकते सिफ्टिंग प्रोसेस का। तो टम्बलिंग क्या है कि टम्बलिंग जो भी है इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग पाउडर इन लार्ज कंटेनर रोटेटेड बाय द इलेक्ट्रिक मोटर, दिस ब्लेंडर आर वाइडली एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री एज अ लार्ज वॉल्यूम पाउडर मिक्सचर। मतलब टम्बलिंग ये भी एक मशीन है मतलब बिग अमाउंट में इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, कंटेनर के मतलब एक रोटेटिंग कंटेनर होता है इलेक्ट्रिक मोटर के हेल्प से उसको हम रोटेट करते हैं उसमें अच्छी तरह से सभी जो भी पाउडर से डालकर वो मिक्स किया जाता है। तो ये इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उसको मतलब लगते हैं उसको हैंडल करने के लिए चलाने के लिए, तो इंडस्ट्री लेवल के लिए मतलब ये टम्बलिंग जो भी है
यहाँ पर ये मशीन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब मशीन मशीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, हमने पूरे 5 मेथड्स देखे। अगर आपने यहाँ तक ये लेक्चर देखा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि लास्ट तक देखा है। अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, सभी फ्री लेक्चर का फायदा लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, बाय बाय।